हेलो, मैं हूं डॉक्टर संदीप सिंह और आज हम बात करने वाले हैं बैड ब्रीथ, मुंह की बदबू, जिसे हम हैलिटोसिस भी बोलते हैं। मुंह से बदबू आने की समस्या एक बहुत ही कॉमन समस्या है। हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस समस्या से परेशान रहते हैं और इससे बचने के लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं। मुंह से बदबू आने का जो सबसे मेन रीजन है वो है मुंह में बैक्टीरियल डिपोजिशन होना, जिसकी वजह से मुंह से स्मेल आती है। इसमें से बहुत से ऐसे रीजंस हैं जिसके लिए हमें डेंटिस्ट के पास जाना पड़ेगा। कुछ ऐसे भी हैं जिसमें जिनके लिए हम खुद से ध्यान रख के उन समस्याओं से बच सकते हैं, अपनी डेली डे टू डे हैबिट्स में चेंज करके और अपनी डाइट्स में चेंज करके हम उन प्रॉब्लम से बच सकते हैं। कुछ बेसिक होम रेमेडीज के बारे में और क्या क्या प्रिकॉशंस हम ले सकते हैं कि हमें बैड ब्रीथ की प्रॉब्लम ना हो, तो आज हम इन्हीं सब कारणों के बारे में बात करेंगे। ऐसे क्या क्या मेन रीजन है जिनकी वजह से हमको मुंह की बदबू की समस्या रहती है, बैड ब्रीथ की प्रॉब्लम रहती है। पहला है आपका पुअर ओरल हाइजीन। अगर हम अपने दांतों की सही से सफाई नहीं करेंगे, अपने मुंह की सफाई नहीं करेंगे, अपने टंग की सफाई नहीं करेंगे, तो हमें बैड ब्रीथ की प्रॉब्लम रहेगी। इसके लिए हमें करना क्या है, हमें दिन में 2 बार ब्रश करना, अच्छे से ब्रश करना है, दांतों के बीच अच्छे से फ्लॉश करना है, अपने टंग की सफाई करनी है, अपने बकल कैविटी की सफाई करनी है। यूज ऑफ टोबैको प्रोडक्ट्स जो दूसरा रीजन है, तो सुपारी और गुटखे का सेवन नहीं करना है। एक रीजन आपका है ड्राई माउथ। ड्राई माउथ, जब हमारे मुंह में स्लाइवा सिक्रीशन कम हो जाता है, इसका मेन रीजन है लो इनटेक ऑफ वाटर, पानी कम पीना। तो आपको पानी अच्छे से पीना है और दिन में कई बार पीना है। एक रीजन आपका और है ओरल इन्फेक्शंस और फूड इंपैक्शन। कभी कभी हमें मुंह में जब कोई ओरल इन्फेक्शन है उसकी वजह से मुंह से बदबू आती है, या फूड इंफेक्शन होता क्या है कि कभी कभी दांतों के बीच में खाना फंस जाता है या कैविटीज में खाना फंस जाता है और पॉकेट्स में, इसकी वजह से वहां पे फूड डिपोजिशन होता है और वो सड़ता है, बैक्टीरियल ग्रोथ होती है और हमारे मुंह से बदबू आने लगती है। बहुत सी ऐसी दवाइयां भी हैं जिनका लंबे समय तक यूज करने से भी बैड ब्रीथ की प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे कि एंटी हिस्टामिन्स और जो कि आपकी एलर्जी को ट्रीट करने के लिए यूज की जाती हैं, या फिर डायबिटिक्स, जिसकी वजह से हमें होता क्या है कि ड्राई माउथ की प्रॉब्लम हो जाती है और फिर मुंह से बदबू आने लगती है। ऐसे ही हमें प्रेगनेंसी की कंडीशन में भी मुंह से बदबू आने की समस्या ज्यादा होती है। कुछ सिस्टमिक डिसीज जैसे कि डायबिटिक पेशेंट्स या फिर किडनी डिसीज की कंडीशंस में भी मुंह से बदबू आने की प्रॉब्लम होती है। कभी कभी डाइजेस्टिव सिस्टम सही ना होने से, पेट में एसिडिटी बनने से, या फिर गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लेक्स के डिले की वजह से, जिसे हम गर्ड डिसीज या जीआरडी डिसीज भी बोलते हैं, उसकी वजह से भी मुंह से बदबू आने की प्रॉब्लम होती है। तो ये कुछ मेन रीजन है जिनकी वजह से हमारे मुंह से बदबू आती है। अब हम आते हैं ऐसा रीजन जिसके लिए हमें डेंटिस्ट के पास जाना पड़ेगा, वो है आपका कैलकुलस और स्टेन। अगर आपके दांतों में कैलकुलस डिपोजिशन हो रखा है तो उसको रिमूव करने के लिए आपको डेंटिस्ट के पास जाना ही पड़ेगा। सबसे पहले आप कैलकुलस रिमूव कराएंगे, उसके बाद रेगुलर बेसिस पे अपने मुंह की सफाई का प्रॉपर ध्यान रखेंगे तो आपको ये प्रॉब्लम फर्दर नहीं होगी। एक और रीजन होता है मुंह से बदबू आने का, वो है आपका लो कार्बोहाइड्रेट डाइट, जिसे हम कीटो डाइट्स भी बोलते हैं। कीटो डाइट की कंडीशन में बेसिकली कीटोन ब्रीथ की समस्या हमको होती है, और इस कंडीशन में होता क्या है कि बॉडी एनर्जी सोर्स के लिए फैट का कंजम्पशन करना स्टार्ट कर देती है और एंड प्रोडक्ट कीटोन बनता है, जो कि एक फ्रूटी स्मेल जनरेट करता है जब हम सांस छोड़ते हैं। और यही कीटोन स्मेल या कीटोन ब्रीथ जो होती है आपकी, ये डायबिटिक पेशेंट्स में अनकंट्रोल्ड ब्लड शुगर लेवल को शो करती है। तो बैड ब्रीथ समस्या से बचने के लिए बेसिकली आपको करना क्या है, आपको अपने ओरल हाइजीन का प्रॉपर ध्यान रखना है। आप चाहें तो शुगर फ्री गम्स का यूज कर सकते हैं, जो कि हमारे ओरल कैविटी में बेसिकली स्लाइवा के फ्लो को इंक्रीज करते हैं और बैक्टीरियल डिपोजिशन नहीं होने देते हैं। दूसरा, आप नींबू पानी का यूज कर सकते हैं, गुनगुने पानी में नींबू डाल के यूज कर सकते हैं, सिनेमन, गुनगुने पानी में सिनेमन का यूज कर सकते हैं। ये बेसिकली होम रेमेडीज हैं जो रेगुलर बेसिस पे यूज करने में हमें मुंह से बदबू आने की समस्या से रिलीफ देती हैं। तो बेसिकली आपको ध्यान रखना है केवल अपने मुंह की साफ सफाई का
और अगर प्रॉब्लम डाइजेस्टिव सिस्टम में है, एसिडिटी बनती है, तो आपको उसके लिए प्रॉपर मेडिकेशन लेनी है ताकि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम वेल मेंटेन रहे।